स्वागत है आज की खास खबरों को लेकर। मैं हूं मधु, आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर महाविद्यालय में डिग्री वन का रिजल्ट हुआ प्रकाशित। डिग्री टू की प्रायोगिक परीक्षा 27 अप्रैल से हुई प्रारंभ। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक निर्धारित तिथियों पर रोल नंबर के आधार पर होगी परीक्षा। वहीं 12 मई से होगा इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रारंभ और 15 मई से होगी डिग्री थ्री वर्ष की परीक्षा प्रारंभ। उक्त जानकारी प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पशुपति राय ने दी। डिग्री टू ऑनर्स सब्सिडियरी और ऑनर्स का प्रैक्टिकल एग्जाम 27 अप्रैल से 3 मई तक होगी। इसका प्रोग्राम कॉलेज में दे दिया गया है। वैसे परीक्षार्थी जो डी टू ऑनर्स सब्सिडियरी प्रैक्टिकल और भाईवा जिनका बाकी है वो निश्चित रूप से आकर के कॉलेज में अपना प्रैक्टिकल और वाइवा दे दें। छूटे हुए परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार पुनः नहीं होगी, इसलिए इसे अति आवश्यक रूप से छात्रगण ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि डिग्री वन का रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, कॉलेज में इससे हम लोगों ने दे दिया है नोटिस बोर्ड पर, वे भी आकर के अपना रिजल्ट देख लें। डिग्री थ्री का भी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। यह कितना 15 मई से यह शुरू होगी ऑनर्स की। ये डिग्री थ्री का भी इंटरमीडिएट 11 की परीक्षा भी 12 तारीख से होगी। इंटरमीडिएट के निर्देशानुसार, जैक के निर्देशानुसार यह होगी, इसलिए इस पर। ट्रैक्टर और ऑटो चालक के लाइसेंस की होगी जांच। वाहन चेकिंग में 3 ट्रैक्टर को किया जब्त, एक को लिया रसद में। बगैर लाइसेंस के ट्रैक्टर और ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है। एसडीपी अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। गुरुवार को वाहन चेकिंग में 3 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया, शहरी व ग्रामीण अंचल में नियम कानून की अनदेखी कर बगैर लाइसेंस के मजदूरों से ट्रैक्टर संचालन कराया जा रहा है। तेज और अनियंत्रित ट्रैक्टर के धक्का से लालगढ़ निवासी सायरा बीबी की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि क्षेत्र में अधिकांश ट्रैक्टर चालक बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। पहले भी कई लोगों की जान अनियंत्रित ट्रैक्टर ले चुके हैं। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। ऑटो चालकों के लाइसेंस की भी जांच की जाएगी। बगैर ड्राइवरी लाइसेंस के कई लोग ऑटो से स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं, यह काफ़ी गंभीर बात है। पुलिस सघन जांच अभियान चलाकर ऑटो चालकों के लाइसेंस का भी सत्यापन करेगी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में गिट्टी लदा 2 ट्रैक्टर और 1 खाली ट्रैक्टर को पकड़ा। 2 ट्रैक्टर के चालक भाग निकले, जबकि मार्गो मुंडा टिको पहाड़ी गांव निवासी गुलाब मुर्मू को पुलिस ने हिरासत में लिया। ट्रैक्टर मार्गो मुंडा क्षेत्र के एक क्रशर से गिट्टी ला रहा था। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कहा कि ट्रैक्टर का दस्तावेज दिखाने को कहा गया, अगर दस्तावेज नहीं पेश किया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, स्थिति तनावपूर्ण, युवती को भगा ले जाने का मामला गहराया। धर्म परिवर्तन की मंशा से विधवा युवती को भगा ले जाने का मामला गहराने लगा है। पथरचपटी मोहल्ला में इस बात को लेकर दो समुदाय में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। बुधवार की रात दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना के बाद स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किए, जमा लोगों को समझा बुझाकर हटाया। बता दें, गत 22 अप्रैल को मोहल्ले की एक 22 वर्षीय युवती को दूसरे समुदाय का युवक भगा ले गया है। युवती के पिता ने धर्म परिवर्तन कर शादी की मंशा से भगा ले जाने की लिखित शिकायत की है। युवती घर से हजारों का जेवरात, नकदी समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साथ ले गई है। कुछ माह पहले इसी लड़की से छेड़खानी मामले में उक्त युवक जेल गया था। बाद में दोनों पक्ष के बीच सामाजिक स्तर से समझौता होने पर मामला समाप्त हो गया था। इस बीच युवती अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। एसडीपी अशोक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनोद सिंह व सीओ संतोष सिंह ने बताया, मामले को लेकर अनर्गल मजमा और अफवाह फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुधवार की रात दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना के बाद जिस तरह कुछ लोगों द्वारा माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया वह काफी गंभीर मामला है। मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र के माहौल को दूषित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर डब्बे में सफर कर रहे बिहार के हाजीपुर निवासी अमरेंद्र कुमार का जेवरात, नकदी और कपड़ा भरा ट्रॉली बैग अज्ञात चोरों ने किया चोरी। हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर डब्बे में सफर कर रहे बिहार के हाजीपुर निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह का जेवरात, नकदी और कपड़ा भरा ट्रॉली बैग अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। पीड़ित ने बताया कि गत 23 फरवरी को अप
हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S3 से हावड़ा से राजेंद्र नगर की यात्रा पर था। इसी बीच जब मधुपुर ट्रेन पहुंची तो देखा ट्रॉली बैग गायब है। बैग में 3 सोने का चेन जिसकी कीमत करीब 1,80,000, सोने का 5 अंगूठी, 1 जोड़ा कान का टॉप, 2,000 रुपये नकदी, कपड़ा और जरूरी दस्तावेज था। स्थानांतरित मामले को राजकीय रेल थाना में दर्ज किया गया। सियालदह मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे मुजफ्फरपुर निवासी मोहम्मद समीम की शिकायत पर रेल पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला किया दर्ज। सियालदह मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे बिहार के मुजफ्फरपुर मिर्चा साहबपुर निवासी मोहम्मद समीम की शिकायत पर रेल पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया। इलाज के बाद होश आने पर मोहम्मद समीम ने बताया वह पश्चिम बंगाल के एक जूट मिल में मजदूरी करता है। सियालदह मुजफ्फरपुर ट्रेन से बुधवार को पैतृक गाँव जाने के क्रम में सहयात्री ने बिस्किट खिलाया, फिर कोई होश नहीं रहा। होश आने पर अपने को अस्पताल में पाया। जेब में रखा 7,500 रुपया गायब था। बैग का कपड़ा और सामान भी नहीं मिला। रेल पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध नशा खिलाकर लूटने का मामला दर्ज किया। मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को किया पुलिस के हवाले। थाना क्षेत्र के सवेजोर गांव में बुधवार की रात ग्रामीणों ने मवेशी को हाँक कर ले जा रहे नवाहर निवासी राजू अंसारी को खदेड़कर पकड़ा और जमकर पीटा। जख्मी हालत में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। इधर आरोपी ने कहा वह चोर नहीं है, पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। भागवत कथा को लेकर निकली कलश यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया नगर भ्रमण। स्थानीय कालीपुर टाउन दुर्गा मंदिर से गुरुवार की सुबह साप्ताहिक श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ को लेकर गाजेबाजी के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में पूर्व प्रमुख सुबल प्रसाद सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, सांसद प्रतिनिधि मोती सिंह, रेलवे गार्ड DK मिश्रा, पप्पू यादव, KKP रॉय, इंदिरा देवी, श्याम झा, अशोक चौधरी, अजय सिंह समेत श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलश यात्रा कथास्थल पहुंची। यहां भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। साप्ताहिक श्रीमद भागवत कथा में कई प्रखर संत शिरोमणि शामिल होंगे। कथा प्रतिदिन शाम 4 बजे से होगी। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। सभी बोलिए राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। अभी बहुत लोग कह रहे थे हम गए थे वृंदावन, तो मुझे तो ऐसा लगता है ज्ञान की शरण लेके गए होंगे वृंदावन, प्रेम की बाह पकड़ के नहीं गए होगे वृंदावन। अभी तक क्या होता है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य लेट गए, अचेत हो गए, और भक्ति क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च, भक्ति जो है वह नृत्य कर रही है, नाच रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेटिंग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।